अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज हमारे साथ सुपरस्टार अदील बरकी साहब हैं और जब ये आते हैं तो ऐसी रौनक लगा देते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम अपने साथ क्या करें और बेसाख्ता हर कोई या तो डांस करना शुरू हो जाता है जब दुखी सॉन्ग होता है तो हम रो पड़ते हैं। यस, ये ना होना कि दुखी सॉन्ग पे हंस पड़े और खुश होने वाले सॉन्ग कंप्लीट पैकेज। शी इज कंप्लीट पैकेज। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। 23 मार्च को मजीद आपको एक सिविल अवार्ड मिला गवर्नर हाउस में, उसके अलावा अमेरिका से भी आपको द वर्ल्ड बेस्ट सिंगर की रिकॉग्निशन मिली। ये मेरे मुल्क का अवार्ड है, ये जो शीला जैक्सन ने ना, शीला जैक्सन जैसी है उन्होंने। सो ये बताइए कि आजकल हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए अभी तक तो आप अदील बरकी हैं, ब्रेक के बाद आप बन जाएंगे फूफा। फूफा क्योंकि देखिए ना, अगर दूल्हा दुल्हन नकली हो सकता है तो फूफा फूफी भी तो नकली हो सकते हैं ना। तो हमारे जो स्पाउसेस हैं वो कोई टेंशन ना ले, टेंशन की बात नहीं है, वी आर इन वेरी सेफ हैंड, क्योंकि वैसे तो फिर अदील भाई हैं मेरे। सो इट्स ओके। अच्छा अदील भाई, मुझे ये बताइए कि लेटेस्ट क्या हो रहा है आजकल? आजकल जनाब मैं सूफी नंबर्स अपने कर रहा हूँ और मिर्ज़ा गालिब का मेरा एक गज़लों का एल्बम है वो तैयार है, और अदरवाइज वेरी बिजी विद माय फैमिली अफेयर्स एंड बिजनेस। फैमिली अफेयर्स? नॉट माय अफेयर्स। नॉट योर? अच्छा, तो फैमिली के, यानी कि फैमिली वालों के। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जैसे कि आप जानते हैं अदील साहब और हमारे व्यूअर्स, अगर किसी ने आज ट्यून इन किया तो बहुत दुख की बात है, हम दो दिन से अभी तमाशा लगा के बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। सो सिचुएशन ये है कि एवरी डे वी हैव अ चीफ गेस्ट, अ लेजेंड आर्टिस्ट विद अस, जो परफॉर्म भी करते हैं और उसके साथ साथ कोई ना कोई रोल अदा करते हैं हमारे शादी के सेटअप में। ये हसीनाएं भी हमारे साथ हैं, सब हसीनाओं का इंट्रोडक्शन भी होगा अभी, अलबत्ता जो डांस ग्रुप परफॉर्म करके गया उनके बारे में मैं आपको बता दूं। बड़ा अच्छा डांस किया उन्होंने, और आप उनके साथ साथ आप भी बड़े अच्छे ठुमके लगाए। इनको देखे, इनको देखे और कहते क्या है, वो कहते हाय हाय ये डंडे मुझे ना पड़ जाए, डंडे फूफा को पड़ने। अच्छा, आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे स्टार्ट करने से पहले। हाँ जी, हाँ जी। कि अगर मैं फूफो हूँ तो आपको कलर से प्रॉब्लम थी आज? हाँ, मैं कह रहा था कि आपको क्या बनी है आज, रूठी भी फूफी की तरह काले कपड़े पहने। मैंने कहा मेरी बात सुने, फूफी जो है ना, फूफी ने फ्रॉक की तो पहन ली लेकिन काली फ्रॉक की पहनी, कि दुख भी है और गम भी है। गम इस बात का है कि देखेगा खुशी भी और गम भी है। देखो मेरा भाई नहीं आया शादी, यानी कि दूल्हा दुल्हन के तो माँ बाप ने आने से इनकार कर दिया। तो फिर फूफी ज्यादा खुश होगी कि आज चौधरानी वो है, वो डंडी झुमकी जो सास को पढ़नी थी वो आज फूफी को पढ़ जाएगी। छोटी जो है वो खुशी का इजहार कर रही है, बाकी जो है वो अपने खानदान के साथ सॉलिडेरिटी शो कर रही है। लेकिन ए दुल्हन वालों, हम ये कहेंगे कि आज डंडी झुमकी सास की फूफी को डाल दीजिएगा। या अल्लाह, अभी तक भूरिया के मुंह से वो एंथम नहीं निकला जो हर बार निकलता है, लड़के वाले लड़के वाले लड़के वाले लड़के वाले। हम बाय द वे लड़के के फूफा पूछी। अरे लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाती, अंदर नहीं आ कुड़ी, वो लड़के वाले, हम लड़के वाले, लड़की वाले वापस चल, नूर उठे चल, देखा ना वो एक्चुअली मेरी तरह दुख में, ये सुख में लग रही है खूबसूरत। ये वहीदा रहमान की साड़ी वाली जो है ये लड़की वाली है। अहमद हमें कह रहे थे कि हमें नंबरिंग भी करनी है इन सब की तैयारियों में। नहीं अभी नहीं करनी, बाद में, अभी सारा वो आ जाए अभी दूल्हा साहब। अच्छा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स तो हुरिया जो हमारे मुल्क की सबसे पहली झोली ऑफ पाकिस्तान बहुत ही अमेजिंग रोल बजाती हैं, और मतलब आपकी तो सर मुलाकात है, शी सो टैलेंटेड, शी सो ब्रिलियंट, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं, और 22 साल की उम्र पर ही अपना नाम बना लिया था और माशाल्लाह अब तो 23 साल की हो गई है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद यार हमारे लड़के को लेके आओ।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. जैसे कि आप जानते हैं हम एट ए प्लस बहुत बड़े फ़ैन हैं रॉयल के. क्यों? क्योंकि इनका हर प्रोडक्ट रॉयल ही होता है. चाहे आप रॉयल के फैंस की बात करें, जो बाय द वे अब इनका रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल एसीडीसी इन्वर्टर सीरीज भी आ गया है. उसके अलावा रॉयल का जो रूम कूलर है अनबिलीवेबल. रॉयल का रूम कूलर इतना अमेजिंग है कि ना सिर्फ आपके कमरे में मतलब ठंड हो जाती है, एक ठंडक का एहसास होता है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कंबाइन किया है एयर फ्रेशनर का ऑप्शन, यानी कि ठंडी हवा खुशबू के साथ. तो क्या कहने. और अब मैं बात करूंगी रॉयल की वॉशिंग मशीन की. रॉयल की ये जो वॉशिंग मशीन है ये अमेजिंग है. ये जो इनकी सीरीज़ है RWM8012T, ज़रूर घर लेके आइएगा, क्योंकि इसके जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जैसे कि सिंक लिड है, जेट स्ट्रीम सिस्टम है, थ्री वे वाटरफॉल सिस्टम है, फिर लार्ज पल्सेटर है और एनर्जी सेवर है, बिजली का कम इस्तेमाल करती है, डबल प्लास्टिक बॉडी है जो इसको ड्यूरेबल भी बनाती है और शॉक प्रूफ भी बनाती है. उसके साथ जो रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी है वो तो वैसे ही अमेजिंग है. एंड स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी, यानी कि पानी और साबुन उतना ही इस्तेमाल डिटर्जेंट होता है, यानी कि हर तरीके से आपको पैसे सेव कराती है. और ड्यूरेबल मोटर, खुदा नखास्ता अगर कोई इशू आपकी मशीन को हो भी जाता है तो आपके घर आके अंडर वारंटी अगर आपकी मशीन है या आपका कोई भी प्रोडक्ट है तो रॉयल की टीम आके ठीक करके जाएगी. सो ये भी टेंशन ख़त्म हो गई कि उठा के लेके जाना पड़ेगा. और ऑर्डर करने के लिए www.royalfans.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं. अब व्यूअर्स, क्योंकि आज के हमने शो को क्लोज करना है और इंशाल्लाह कल वलीमा है, तो फुफा जी से क्योंकि दोस्ती हो गई है तो फुफा जी मान गए हैं कि कल आ जाएंगे. बड़ी आपकी मेहरबानी. तालियां शालियां भी होती हैं कि नहीं? मैंने वैसे मना किया था इनको कि तालियां ना बजाना. अभी कल भी कोई तोहफा वसूल, कल गिफ्ट लेके आना. ओके. हर वक्त पैसे ना पकड़ा दिया करें. कभी अंडे कम पड़ जाते हैं घर में, कभी कद्दू कम पड़ जाते हैं, कभी टमाटर लेने पड़ते हैं. अंडे कम पड़ते हैं, डंडे कभी कम नहीं पड़ते. डंडे अल्लाह का शुक्र है वो हुरिया ने ब्रेक में प्रूव किया है हमें. आप सबका शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने. कल फिर हमारी मुलाकात हो रही है हम सब की और कल एक और मजीद सरप्राइज गेस्ट. आपको पता है कि अभी कौन सा गाना हम परफॉर्म करने जा रहे हैं? और आपको पता है अदील भाई, एक मिनट, अब पुफा पुफी नहीं है हम. ओके ओके, अब नहीं है. जज बने और डिसाइड करें ये टीम जीती है कि ये टीम जीती है. और जोड़े का भी रिंग जिस नहीं, ये जोड़ा जोड़ा बताए, पहले बताए जोड़ा सबसे बेस्ट किसका है? दिल भाई ज्यादा इस पे सोच विचार ना करें, फौरन बस सेलेक्ट करें उस लड़की का. लेकिन उसका शूज जो है ना उसमें मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसे दे देता हूँ. चलो जी, ईमान हमारी विनर, यानी के विनिंग ड्रेस भी हमारा है, अंगूठी लड़की ने ढूंढ ली थी, खाना भी हमारा, खाना भी इनका था. तो कौन सी टीम जीती? लड़के वाले. और क्लोज करेंगे, एक दिन है तुम लोग के पास कल हमारे फंक्शन पे. तो और आपका सूट कल मैंने पहनना है. अदील जी, शो क्लोज करते हैं. आइए मिस्टर नकली दुल्हन, नकली दुल्हन. साडे यार ने बन ले सेरे, साडे यार ने चढ़या यार निराला, कोड़ी चढ़या.
جشن مناو خوشیاں دا گھر وچ آیا رج رج جشن مناو